हिमाचल में कैसे हालात हैं उस पर और चर्चा करते हैं। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं वहां की स्थिति के बारे में। मुकेश जी बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले शिमला में जो हादसा हुआ उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, वहां पर अभी कैसी स्थिति है? रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर चल रहा था, कुछ लोगों के फंसे होने की बात कही जा रही थी। देखिए आज सुबह ये हादसा पेश आया और ऐसा लगता है कि वहाँ कोई बादल फटा है और उसने नीचे जो शिवबाड़ी का मंदिर है उसको अपनी चपेट में ले लिया, और सुबह के समय लोग उस मंदिर में दर्शन के लिए गए थे, पूजा अर्चना के लिए गए थे, काफी लोग वहाँ पे इकट्ठा हो रखे थे, और अभी तक 8 डेड बॉडीज मिल चुकी हैं, वहाँ से रिकवर कर चुके हैं। वहाँ पे सेना को भी बुलाया गया है, ITBP को भी बुलाया गया है, SDRF की टीम भी लगी हुई है जी, और दूसरी भी फोर्सेज वहाँ पे काम कर रही हैं, और NDRF वालों को नालागढ़ से अभी बुलाया है, अभी तो वो भी अपना काम करेंगे, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि 2 दर्जन के आसपास संभावनाएं जो जताई जा रही हैं कि 2 दर्जन के आसपास लोग यहां पे दबे हुए हो सकते हैं। तो 2 दर्जन लोग अभी वहां पर फंसे हो सकते हैं, कितना वक्त अब आपको लगता है कि वहां इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है भी और लग सकता है? ये देखिए बारिश भी शुरू हो रखी है और मलबा भी बहुत आया हुआ है, और ऐसे में अब लगता है कि कुछ कैजुअलिटीज बढ़ सकती हैं आने वाले टाइम में। अभी तक 8 लोग बाहर निकले हैं जो मलबे से दबे हुए थे, और रात को ऑपरेशन चलाना पड़ेगा और उसके लिए जरूरी जो है इंतजाम किए जा रहे हैं। मुकेश जी, इसके अलावा भी कई जगह से काफी चिंताजनक तस्वीरें जो है वो सामने आई। हमने देखा यहाँ पर सोलन में 7 लोगों की मौत की खबर आई, मंडी में 5 लोगों की मौत की खबर आई, यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है? नहीं देखिए, शिमला में ही दूसरा फागली में एक बिल्डिंग के ऊपर 2-3 पेड़ गिरे थे और वहां पे 5 कैजुअलिटीज हो गई हैं और 7-8 लोग वहां पे घायल हैं, और उसके बाद सोलन के मबलीग एरिया में 7 डेथ्स अभी तक हो चुकी हैं और जो बॉडीज जो है बाहर लेके आए हैं, और ये इस अकेले एक दिन में मुझे लगता है कि आज का आंकड़ा 50+ हो गया, 50 से ज्यादा डेथ्स आज अकेले दिन में हुई हैं। आज का दिन काफी भयानक मंजर दिखा रहा है और शाम तक ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि विलेजेस से धीरे धीरे रिपोर्ट्स जैसे आ रही हैं, और हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सेशन में अकेले ही जो डेथ्स का टोल है वो 300+ हो चुका है और 40 के आसपास लोग मिसिंग भी हैं। सड़कों को बड़े स्तर पर जो है नुकसान हुआ इस बारिश की वजह से, भूस्खलन की वजह से। बिजली आपूर्ति सब जगह ठीक से हो पा रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं इतनी बारिश हुई है, बहुत जगह पर नुकसान हुआ है, तो उस पर तो असर नहीं पड़ा इससे? नहीं, शिमला में थोड़ी बिजली बाधित इसलिए हुई है क्योंकि बहुत पेड़ गिरे हैं और सारे बिजली की तारों पे गिरे हैं, और किसी को कोई नुकसान ना हो जाए इसलिए भी बिजली को बंद किया गया था। वैसे भी जो है तारे वगैरह काफी जगह उनको नुकसान हो रखा है, तो कई जगह टेलीफोन भी बाधित है, बिजली के हमारे मंडी में पानी की जो मेन स्कीम अभी हमने बहाल की थी जिससे कि पूरे मंडी शहर को पानी जाता, वो स्कीम हमारी फिर से जो है बाधित हो गई है, सुंदरनगर की स्कीम बाधित हो गई है, तो नुकसान तो बिजली, पानी, सड़क और टेलीफोन हर तरफ से है, और हिमाचल प्रदेश को अब तक 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है जी। और 350 के आसपास जाने हिमाचल प्रदेश में जा चुकी है, और ये तांडव लगातार अभी तक चला हुआ है, और लेकिन जितनी यथा योग्यता क्षमता है हिमाचल प्रदेश सरकार में पूरी ताकत से, पूरे सारे मंत्री सड़कों पे हैं, सारे ऑफिसर सड़कों पे हैं, सारे मैन पावर जो है हमारी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सब लगे हुए हैं कि किसी भी ढंग से हिमाचल प्रदेश के लोगों को बचाया जा सके। एक बात मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार को सुमोटो एक्शन लेते हुए इतने बड़ा जो नुकसान हिमाचल प्रदेश अकेला जूझ रहा है इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए, और क्योंकि इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है, जहां 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया हो, कोई नेशनल हाईवे बचा ना हो,
कुल्लू से मनाली तक नेशनल हाईवे नहीं है, यहाँ पे कालका शिमला नेशनल हाईवे को मेजर नुकसान हो गया है, बाकी सब हाईवे बंद पड़े हैं, सारे स्कूल बंद करने पड़ गए हैं, सारे टोल जितने भी हैं नाके जो हैं वो सारे वहाँ पे बंद बंद करने पड़े हैं, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, और लोग जो है घरों पे भी हैं तो उनके भी घर जलमग्न हो रखे हैं। केंद्र सरकार इंतजार किस बात का कर रही है कि हम फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं, राज्य के और केंद्र के संबंध होते हैं, और केंद्र को ऐसे मौके पे हिमाचल की मदद के लिए आगे आना चाहिए, और इससे भयानक तस्वीर किसी और राज्य में इस समय नहीं होगी। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।